पहले वनडे मैच में करारी हार के बाद भारतीय टीम अब 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला खेलने वाली है। और दोस्तों यह दूसरा ओडीआई मुकाबला 8 फरवरी को ऑकलैंड के इडन पार्क में खेला जाएगा। और दोस्तों इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में हमको भारतीय टीम कई सारे बड़े बड़े बदलाव भी करती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों अगर हम इस मुकाबले के लिए सबसे पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम अपनी इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में कुछ ज़्यादा बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं करने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम के लिए दोस्तों ओपनिंग करने वाले हैं मार्टिन गप्तिल और साथ ही साथ हेनरी निकोलस। नंबर 3 पर उतरने वाले हैं दोस्तों टॉम ब्लंडल और नंबर 4 पर रॉस टेलर उतरने वाले हैं। नंबर 5 पर उतरने वाले हैं दोस्तों कप्तान टॉम लेथम। नंबर 6 पर उतरने वाले हैं दोस्तों कॉलिन डी ग्रैंडहॉम और नंबर 7 पर जेम्स नीशम उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर उतरने वाले हैं दोस्तों मिचेल सेंटनर। नंबर 9 पर टिम साउदी। नंबर 10 पर ईश सोढ़ी और नंबर 11 पर हमेश बेनेट उतरने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 हमको इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम की दिखने वाली है। न्यूजीलैंड की टीम ने दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इसी वजह से दूसरे ओडीआई में कुछ ज़्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करेगी और वह बिल्कुल सेम टू सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। तो दोस्तों अब अगर न्यूजीलैंड की टीम के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए हमको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं पृथ्वी शॉ और साथ ही साथ मयंक अग्रवाल। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम किसी और नए ओपनिंग प्लेयर को ट्राई नहीं करने वाली है। यही दोनों खिलाड़ी दोस्तों दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पर उतरने वाले हैं दोस्तों कप्तान विराट कोहली। नंबर 4 पर होने वाले हैं दोस्तों श्रेयस अय्यर, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने वनडे करियर का सबसे पहला शतक लगाया था। और नंबर 5 पर उतरने वाले हैं दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। राहुल भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नंबर 6 पर होने वाले हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा और नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर उतर सकते हैं। दोस्तों केदार जाधव को भारतीय टीम इस मुकाबले से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों उन्होंने गलत तो कुछ नहीं किया है परंतु टीम को और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए उनको बाहर बिठाया जा सकता है। नंबर 8 पर उतरने वाले हैं दोस्तों नवदीप सैनी। नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल। नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह उतरने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 हमको इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में दोनों टीमों की नज़र आ सकती है। भारतीय टीम दोस्तों मात्र एक दो हल्का फुल्का ही बदलाव इस मुकाबले में करने वाली है और अपने गेंदबाजी लाइनअप को थोड़ा और बैलेंस बनाने की ट्राई करेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरे ओडीआई मुकाबले में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।